गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी एजुकेटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स एंड यस फ्रीलांसर जॉब्स के बारे में आपको पता चलते रहे। ओके, सो आज जो जॉब है वो है फ्रीलांसर जॉब। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट बनानी, अपनी वेबसाइट बनाकर उसे बेचना है। यस गाइस, आपको वेबसाइट सेल करनी है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ओके, एंड दूसरा पॉइंट कि वेबसाइट बनाते टाइम हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स देखनी है जो एक बायर परचेज करेगा हमसे। ओके, और तीसरा पॉइंट कि अब वेबसाइट हम बना चुके हैं तो उसको जो है वो सेल काम पे करें। ठीक है, चौथा पॉइंट कि पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। तो इसी चीज को आज हम अपने कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम वेबसाइट, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप फ्री वेबसाइट कहीं से भी बना सकते हैं। विक्स प्लेटफॉर्म हो गया, माय गूगल बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है, और गो डैडी प्लेटफॉर्म हो गया। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वेबसाइट क्रिएट करने की, पर जो एक बायर है, ठीक है, जो बाय करना चाहता है आपकी वेबसाइट, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट को लेकर, आज हम वो जानते हैं। तभी जो आपका काम है वो उनको अच्छा लगेगा और आपको जो है पेमेंट बहुत आराम से मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बायर कोलैबोरेशन। यस गाइस, आपको अपने बायर्स की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बायर है वो क्या लेना चाहता है आपसे, मतलब वेबसाइट पे क्या अवेलेबल होना चाहिए। बायर को चाहिए कि भाई उसके लिए आपके पास एक अच्छी सी हेडिंग, बैनर, एड्स शो होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, या बहुत सारे जो व्यूज आपकी वेबसाइट पे आने चाहिए, तब जाके वो बायर लेगा आपकी वेबसाइट। तो हर एक चीज आप पहले बायर से कॉन्टेक्ट करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बायर जो चाहता है वो ये चीजें चाहता है और मेरी वेबसाइट पे ये काम है कि नहीं है। ओके, तो अब दूसरा आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपकी जो वेबसाइट है एक निच पे क्रिएट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी जो वेबसाइट है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सारी जॉब अपडेट्स, करियर अपडेट्स आपको उस पे मिल जाए। तो एक निच है उसका क्या है, एजुकेशन। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, ठीक है, या नए गैजेट्स के बारे में बताते हैं, तो आपका जो निच है वो है टेक्नोलॉजी। तो एक पर्पस होना चाहिए आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तीसरा है गुड कंटेंट। यस गाइस, आपने कुछ पोस्ट करा होगा या आपने बायो सेशन लिखा होगा, अपने अपडेट्स लिखी होगी, या कह सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा, तो जो भी चीजें हैं, हर एक चीज कंटेंट जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके फॉन्ट साइज बड़े छोटे, मतलब एक आदमी को विजिबल हो रहा है सही से कॉन्टेक्ट के लिए हो रहा, सब कुछ देख रहा है आपको, ठीक है। फिर आता है हमारा SEO फ्रेंड। आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको ये भी देखना होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूज तक पहुंचाए। अगर कुछ नहीं होता, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शनल रहता है ये। क्यों? क्योंकि जो SEO है, ये जब बायर्स लेते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट जब बायर्स लेते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रमोट करते हैं आपकी वेबसाइट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अब उनकी ड्यूटी है, उनकी वेबसाइट हो जाती है, आपकी नहीं। तो इसलिए जो है SEO फ्रेंडली जो ऑप्शन है वो आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल है, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट अगर रैंक कर रही है तब भी जो बायर होता है वो ले लेता है, अगर नहीं करती है तो थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे सेल आउट करने की अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पे जाकर अपना जो फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट बनाने का। तो मैं बता देती हूँ, विक्स प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, विक्स के बाद हो गया गो डैडी, माई बिजनेस, गूगल। तो बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कभी कभार वेबसाइट टू भी है एक न्यू, ठीक है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं बात करती हूँ सेलिंग की। अब हम अपनी वेबसाइट को सेल काम करेंगे। इतना काम तो हो गया भाई, मैंने सब कुछ चेक कर लिया कि भाई जो क्लाइंट मुझसे मांग रहे हैं, जो मुझसे बायर मांग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सब कुछ चेक कर लिया, A to Z मेरी सारी चीजें है मेरी वेबसाइट पे। ओके, तो अब आप काम पे उसे बेचोगे। तो मैं एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ, इसका नाम है फ्लिपा। यस गाइस, इसका नाम है फ्लिपा।
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। वेबसाइट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड यस, फ्लिपर का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ओके, अब आप यहाँ पे कैसे सेल आउट कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है यहाँ पे वो होता है रजिस्ट्रेशन का। आपको साइन अप करना पड़ेगा अपने किसी मेल से, या तो फोन नंबर से या FB से आप साइन अप हो सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद होता है आपका ID वेरिफिकेशन प्रोसेस। ID वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपके पास मेल में एक लिंक आएगा, ठीक है। जो वो लिंक आएगा जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ओके। फिर वो आपको एक अलग से इंटरफेस पे ले जाएगा जहाँ थैंक यू करके आएगा कि हाँ भाई आप मतलब बहुत अच्छे आपने वेबसाइट चूज करी है एंड थैंक यू फॉर योर कोलैबोरेशन विद अस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले आपकी मेल चेक होती है, जो मेल चेक होती है वो आपके लिंक के थ्रू वेरीफाइड हो जाती है इस ऑप्शन में, ओके। फिर आपका होता है फोन नंबर चेक। यस गाइस, आपके भी फोन नंबर पे एक OTP आता है, ठीक है, या तो ये लोग लिंक OTP कुछ भी भेज सकते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ठीक है। वो वेरीफाई होने के बाद आपकी फिर गवर्नमेंट ID मांगेगी, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट से जो भी आपको कनेक्ट करना है तब आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है लिस्टिंग फीस। यस गाइस, अब आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे सेल करनी है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे आपको यहाँ पे देने होंगे कि मेरी ये वेबसाइट है, ओके। थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि भाई मेरी ये इस वेबसाइट के अंदर ये कंटेंट है, तो आप इस वेबसाइट को ले सकते हैं और इसकी फीस है $1 इतना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग डॉलर लगा के आप इस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपके पास मैनेज अकाउंट, ठीक है। अब आपने यहाँ तक सारा काम कर लिया, अब आपको क्या करना है, अपना अकाउंट जो है वो मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है बहुत एक्सेस में आते हैं यहाँ पे बायर्स, तो जो आपकी वेबसाइट लेगा वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बहुत सारे जो भी वेबसाइटर्स बायर्स होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अपना अकाउंट ऐसा मैनेज करना है, या तो आप अपने ईमेल दे दीजिए उनको, या तो आप फोन नंबर दे दीजिए ताकि वो आपको कॉल कर सके या कॉन्टेक्ट कर सके अगर आप वेबसाइट पे ज्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहते हो इनकी फ्लिपा वेबसाइट पे, ओके। फिर इसके बाद आता है बायर्स इंक्वायरी। फिर बायर की इंक्वायरी स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हम थोड़ा सा कम चाहते हैं, कम प्राइस में हमें दे दीजिए, कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है आपका, तो आप उनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ओके। फिर आता है एंट्रिंग इनटू अ कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। ये सबसे लास्ट स्टेप है, आप सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो अपनी वेबसाइट को बेचना चाहते थे आपकी वेबसाइट जो है वो बिक जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जैसी आपकी वेबसाइट बिकेगी तो आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेपल का ऑप्शन जो होता है, जो पेपल का ऑप्शन होता है वो लिमिटेड स्टेट्स के लिए होता है और कंट्री के लिए होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप उस कंट्री में एलिजिबल है कि नहीं है, ओके। अगर इस प्लेटफॉर्म से कोई भी डाउट है, कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है, कैसे आप पोस्ट करेंगे, ये सब चीजों का डाउट है, साइन अप नहीं हो रहा मैम मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।